हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो किसका है? डायरेक्शन का। फ्रेंड, डायरेक्शन में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शैडो यानी परछाई वाले क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं फ्रेंड्स, आज के बाद कभी परेशान नहीं करेंगे। आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख लिए हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, डेली में जो है फ्रेंड्स रीजनिंग की एक ही टाइप के और उसमें जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं उसको मैं हमेशा कराता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं शैडो की बात करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स, परछाई, परछाई आपकी कहाँ बनेगी? तो फ्रेंड्स हमेशा जो है दाहिने और बाएं परछाई बनेगी, यानी दो टाइप की चीजें, दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक राइट या तो बनेगी परछाई या तो लेफ्ट, यानी एक दाहिने बनेगी या तो बाएं बनेगी। दूसरा फ्रंट या तो फ्रंट बनेगी, या तो आगे परछाई बनेगी या तो पीछे बनेगी, यानी बैक में परछाई बनेगी। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? या तो फ्रेंड्स देखिए, अगला कंडीशन बात करें तो या तो मॉर्निंग का क्वेश्चन बनेगा, या तो फ्रेंड्स देखिए सूर्य उदय के जस्ट बाद का क्वेश्चन बनेगा, या तो सूर्यास्त के जस्ट पहले का क्वेश्चन बनेगा, यानी इवनिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है दिया जाता है। तो अगर मॉर्निंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि फ्रेंड जो सूर्य निकलता है वो कहाँ निकलता है? पूरब में, यानी ईस्ट में। अगर हम सन की बात करते हैं तो सूर्यास्त कहाँ होता है? फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कि वेस्ट यानी पश्चिम में आपका सूर्य क्या होता है? अस्त होता है। तो यानी देखिए फ्रेंड, जो परछाई बनेगी वो किसी पर्सन के जब दाहिने बाएं बनेगी तो हमेशा सन का ही ईस्ट और क्या लेना है? वेस्ट लेना है। इस बात का ध्यान देना। तो यानी सन का ही आपको क्या लेना है फ्रेंड्स? राइट और लेफ्ट लेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा और बड़े आसानी से क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें 90 डिग्री हमेशा मूव किया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान देना है, क्लियर है? जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए मॉर्निंग का क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। तो मॉर्निंग का क्वेश्चन है तो मान लीजिए दाहिने परछाई बनी, किसी के दाहिने परछाई बनी, तो यानी इसका मतलब सन का राइट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सन का जो राइट होगा यानी ईस्ट का राइट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। राइट लेंगे तो राइट कहाँ जाएगा? साउथ आ जाएगा। तो इसका मतलब सन का राइट लेंगे तो डायरेक्शन क्या जाएगी? साउथ। और एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब दो व्यक्ति रहेंगे तो वो हमेशा आमने सामने ही बात करेंगे, इस बात का भी ध्यान देना। यानी दो पर्सन हमेशा आमने सामने बात करेंगे, अगर एक का चेहरा उत्तर में होगा तो दूसरे का कहां होगा? दक्षिण में। बस यही इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आई हो कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाई ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था? देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा किसका क्वेश्चन है? मॉर्निंग का। मॉर्निंग का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य कहाँ निकलेगा? ईस्ट में। कहाँ निकलेगा? ईस्ट में। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर यानी ईस्ट के लेफ्ट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट का जब आप लेफ्ट लेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। यानी यहां पे ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ईस्ट का लेफ्ट लेंगे नॉर्थ, ये जो चेहरा नॉर्थ में किसका होगा? तो फ्रेंड्स जिसके दाहिने बाएं हमेशा परछाई बनेगी यानी रीता के ठीक बाईं ओर बन रहा था, यानी ये चेहरा किसका होगा? रीता का। यानी फ्रेंड्स जो रीता का चेहरा है वो कहाँ पे है? उत्तर में, यानी नॉर्थ में है। तो कविता का मुख किस दिशा में होगा? तो कविता का मुख किस दिशा में होगा? साउथ में होगा। इस बात का ध्यान देना, यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें हमेशा जो आंसर आएगा नॉर्थ और साउथ के अलावा आंसर नहीं आता, वेस्ट और ईस्ट इसका आंसर कभी नहीं आता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, उसी टाइप का एक अगला सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद राजन एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, खंभे की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था? तो देखिए फ्रेंड्स, सूर्योदय का, सूर्योदय का समय है तो सूर्य भगवान कहाँ होंगे? ईस्ट में होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट का क्या लेंगे? लेफ्ट। कह रहा परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही, ईस्ट का लेफ्ट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट का लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट यही हो जाएगा आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा? ये, यानी क्या हो जाएगा? नॉर्थ।
ये नॉर्थ हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, तो ये जो लेफ्ट होगा फ्रेंड्स ये किसका होगा, कह रहा है खंभे की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, उसके का मतलब राजन के, उसके का मतलब राजन के। और आपसे यही पूछा भी गया है कि राजन का चेहरा किस दिशा में था, नॉर्थ की तरफ था, यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इन सब टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस समय शाम का क्वेश्चन है, यानी किसका है, इवनिंग का है, अभी तक मॉर्निंग का था, ये क्वेश्चन किसका है फ्रेंड्स, इवनिंग का है। तो इवनिंग का है तो इसका मतलब सन कहाँ होगा, वेस्ट में होगा, वेस्ट। कह रहा परछाई कहाँ बन रही है, रोहन के ठीक दाहिनी ओर, यानी वेस्ट का राइट लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। वेस्ट का राइट लेंगे क्या जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्थ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चेहरा किसका होगा, तो जिसके दाहिने बाएं परछाई बनेगी फ्रेंड्स, यानी ये रोहन कहाँ का चेहरा कहाँ है, नॉर्थ में है, और रोहन का ही मुख पूछा है, तो यानी नॉर्थ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर दीपक का पूछा होता तो आंसर साउथ हो जाता, लेकिन दीपक का नहीं पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा, सेम उसी टाइप का सवाल है फ्रेंड्स, इसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। आई होप की आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता हूँ जिसको आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है, शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही थी, तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पहले फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं आता है तब देखना है। क्वेश्चन कह रहे हैं, शाम 5 बजे घर से स्कूल आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर बन रही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर देखिए सूर्य कहाँ होगा, वेस्ट में होगा, सूर्य भगवान यहाँ पे होंगे, ऐसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो परछाई बाईं ओर किधर पड़ेगी, तो बाईं ओर फ्रेंड्स अगर आप अपने आप को मान के चलेंगे तो देखिए फ्रेंड्स बाईं ओर किधर पड़ेगा, तो इसका मतलब उसका जो है ईस्ट की तरफ उसका बायां हाथ पड़ेगा यहीं। तो इधर जब पड़ेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वो उधर से आ रही है, तो यानी स्कूल यहां रहा होगा, स्कूल से घर आ रही है, यानी साउथ की तरफ आ रही है। थोड़ा सा इमेजिन करिए, इमेजिन करेंगे, लेकिन उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, तो इसका मतलब उसके घर से स्कूल ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। नॉर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि केतकी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, तभी उसका जो है उसकी जो परछाई है बाईं ओर गिर रही है, क्योंकि शाम 5 बजे का समय है, तो सूर्य कहाँ है, पश्चिम में है, बायां पूरब की तरफ होगा, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ में उसका स्कूल रहा होगा। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूर्यास्त के समय तो सूर्य पश्चिम में होगा, इधर अगर चेहरा है तो कह रहा है उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, छाया कहाँ पड़ेगी, उसके पीछे की तरफ, यानी इस तरफ पड़ेगी, उसके पीछे पड़ेगी, यानी बैक टू हिम, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कह रहे हैं फ्रेंड्स, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी इधर चलना वो प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ी, अपने आप को मान के चला करिए कि आप भी चल रहे हैं, तो बाईं ओर कहाँ मुड़ेगी, ऊपर की तरफ बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ी, फिर कह रहा है कुछ देर चलने के बाद दाईं ओर कहाँ मुड़ेगी, ऊपर की तरफ। अब कह रहा है उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी, यानी नॉर्थ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल रखा हूँ फ्रेंड्स जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, इस बात का ध्यान देना, इसको आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, यदि शंकर अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखते
देखता है और सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स ये शंकर का घर है। ये किसका घर है? शंकर का घर है। यदि शंकर अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, तो उगता हुआ देखता है इसका मतलब सूर्य कहाँ निकलता है? ईस्ट में। इसका मतलब मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? यहाँ पे है। ये क्या है? टेम्पल है। आपसे कह रहा है कि उगता हुआ देखता है सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे से डूबता हुआ देखता है, इसका मतलब सूर्य कहाँ अस्त होता है? वेस्ट में होता है। तो यानी ये आपका क्या है? रेलवे स्टेशन है। ये आपका रेलवे स्टेशन है। तो कह रहा है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? तो रेलवे स्टेशन से मंदिर ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी। यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार था। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए होमवर्क है। और क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिदिन प्रातः काल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है और सायं को 12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबज पर पड़ती है, तो गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में है? इसका क्वेश्चन क्या होगा? आप लोगों को फ्रेंड्स होमवर्क दिया जाता है और कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी किया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।